हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी साथी। मैं विक्रांत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो भाई कैसे हैं साथियों, आप बताइएगा जरा। और कैसे हैं भाई जितने भी साथी बेटा यहां पर जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम जी, नमस्कार जी, राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो भाई कैसे हो टाइगर टाइग्रेस, बता दीजिएगा जरा। और कैसी चल रही है बेटा आप लोगों की तैयारी, जल्दी से बताइएगा बेटा कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी भाई। आ जाओ भाई जल्दी से बेटा। भैया नोर बना देना जी। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून प्राणी पात गुरुदेव बेटा, धन्यवाद। धनीषा जी, सोनू जी, सानू, अभिषेक, केएल जी, बहुत अच्छे बेटा, सभी साथी आ जाओ जल्दी से। आर्यन जी, मीनाक्षी जी, बस बेटा स्वागत है आपका। मैं भी बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया हो जाता हूं आपसे बेटा। तो भाई साथियों देखो, आज से क्लास तो खैर कल से भी चल रही थी, लेकिन आज से हम चल रहे हैं आपकी किसकी तरफ, आपका नेशनल मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट 1857 रिवोल्ट के बारे में। यानी कि सबको पता है, सबने सुना होगा साथियों 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो आज हम इस सब के बारे में ही बात आपसे करने वाले हैं साथियों, ठीक है भैया। 1857 ये बेटा जी भैया, आई फ्लू बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है भैया, ठीक है। तो हमने साथियों कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था अराइवल्स ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश साथियों, ठीक है जी, अराइवल्स ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश। और साथियों ये है आपका 1857 रिवोल्ट बेटा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चे इसमें, और लास्ट में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा लगाने की कोशिश करेंगे। इसके जो साथियों क्या थी आपकी पॉलिटिकल रीजन क्या थे इसके, तो सबसे इंपॉर्टेंट भैया ये पेपर में अक्सर पूछा जाता, लॉर्ड डलहौजी केम टू द इंग्लिश कंपनी एज अ गवर्नर, देन अ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज रन बाय हिम। तो भैया जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर के रूप में भारत आया था तो इसने बेटा एक नीति अपनाई थी जिसको कहा गया एक हड़प नीति बच्चे। और लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 में ही आया था और 1856 तक ये आपका क्या रहा था, भारत का गवर्नर जनरल आपका रहा है साथियों। क्या रहा था, भारत का गवर्नर जनरल बेटा। इसमें क्या हुआ कि जिसके द्वारा वे भारत की अलग अलग क्षेत्रों की रियासतों को अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण क्षेत्रों में मिलाते थे और उन पर कब्जा कर लेते थे। इस हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजी कंपनी के द्वारा गोद लेने की प्रथा को भी बंद करवा दिया गया था। यानी कि हां बेटा कल छुट्टी क्या ली थी बाबू, मुझे दरअसल में डॉक्टर के जाना पड़ा बेटा, है ना, तो उसलिए छुट्टी लेनी पड़ गई बस। तो साथियों ऐसा हुआ कि जो ये लॉर्ड डलहौजी नाम का वायसराय है, ये एक साम्राज्यवादी यानी कि एक इंपीरियलिस्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा था। तो इसने एक नया कानून बनाया जिसमें कहा गया राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ
लैप्स, या हम कहें तो राज्याल्य नीति, या हम कहें तो व्यपगत सिद्धांत, मतलब वही था कि इसे अपना साम्राज्य भारत के अंदर बढ़ाना था। तो उसके लिए इसने कानून बनाया और उस कानून में सिंपल एक बात कही गई कि जिस भी राजा या जिस भी रियासत के कोई अपनी वैध संतान नहीं है, अपनी वैलिड संतान नहीं है, तो भाई उसका साम्राज्य हम ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन के शासन में मिला लेंगे। तो इसी आधार पर इसने भारत की बहुत सारी रियासतों को मिलाया। ये 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण आपका माना गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से राज्यों को भैया किस किस साल में इसने अपनाया है। तो भाई सबसे पहले सतारा, बेटा सतारा कहां पड़ता भैया? महाराष्ट्र में। भैया कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। और यहां के शासक बेटा उस समय पर जो थे वो थे जी अप्पाजी साहेब। अप्पाजी साहेब साथियों, तो इनकी रियासत चल रही थी सतारा महाराष्ट्र में। तो इनके बेटा कोई अपना ही बच्चा नहीं था, जिस वजह से डलहौजी ने सबसे पहले इनकी रियासत को अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया। क्वेश्चन आएगा वहां आपसे कि बताएगा निम्न में से ऐसा कौन सा रियासत है या ऐसा कौन सा राज्य है जिसको डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले मिलाया गया है। तो भैया आप बताएंगे सतारा महाराष्ट्र बेटा। उसके बाद जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, और झांसी भैया इंपॉर्टेंट है ही बेटा। झांसी तो आप लोग जानते ही हैं, 1853 भैया रानी लक्ष्मीबाई। नागपुर 1854, करौली, बाद में इसको वापस कर दिया गया। राजस्थान में पड़ती है बेटा करौली। तो पहले डलहौजी ने इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन जब इसका विरोध ज्यादा होना स्टार्ट हुआ तो भाई इसको वापस कर दिया है। और भैया अवध बेटा, अवध के जो नवाब थे बेटा वो है जी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, मजे की बात सुनिएगा भैया। ऐसा हुआ साथियों कि डलहौजी ने राज्यों को हड़पने के लिए जो कानून बनाया था उसमें यह कानून था कि जिसके अपना बेटा नहीं होगा या जिसके अपनी बेटी यानी कि वैध संतान नहीं होगी तो उनकी रियासत हमारी होगी। लेकिन वाजिद अली शाह के अपना एक बच्चा था जिसका नाम था ब्रजिश कादिर बेटा। छोटा बच्चा था, 5-6 साल का था, लेकिन था तो भाई एक शासक का बेटा, तो उसको भी पावर मिल सकती है। तो डलहौजी ने इस अवध को कब्जाने के लिए भाई इनके ऊपर लगाया बैड गवर्नेंस का आरोप। क्या लगाया? बैड गवर्नेंस यानी कि कुशासन का आरोप कि जी आपकी आप अवध पर शासन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, ये मुझे रिपोर्ट मिल रही है, तो बेटा इसलिए आपका शासन आज से हमारा होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में कई बार आया है कि किस राज्य को डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगा करके हड़पा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? अवध बेटा। अवध का उस समय पर नवाब कौन है? वाजिद अली शाह है, ठीक है भैया। और ये अवध, एक बच्ची पूछ रही है कि अवध को प्रेजेंट में क्या कहा जाता है, तो भैया प्रेजेंट में लखनऊ, लखनऊ कहा जाता है भैया अवध को, ठीक है बेटा। और इन वाजिद अली शाहजी की ही पत्नी है बेगम हजरत महल, जो 1857 की क्रांति में लखनऊ में भैया क्रांति का झंडा बुलंद करती हुई चलेंगी बेटा। यही है साथियों।
ठीक है भैया, चलो भाई आगे देखते हैं भैया। कहीं ना बेटा कुछ मैं देख रहा था एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया इसका आपका तात्कालिक कारण। बेटा क्या है तात्कालिक कारण, यानी कि इंस्टेंट रीजन या आपका इमीडिएट रीजन आपका क्या था बेटा? एन एनफील्ड राइफल वाज इंडक्टेड इन दिसंबर 1856 बाय द ब्रिटिश रिप्लेसिंग द ब्राउन बेस राइफल। साथियों यानी कि हुआ क्या है कि भैया पहले ब्रिटेन की फौज में आपका क्या होता था, एक राइफल प्रयोग हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसको आपका कहा जाता है साथियों क्या, ब्राउन बेस बेटा। और इसी ब्राउन बेस के नाम पर स्थान पर एक नई राइफल आई जिसको नाम दिया गया है आपका एनफील्ड राइफल बेटा। तो यहीं से आया भैया इनफील्ड का जो नाम आया बेटा, यही वो जगह है। देखिएगा, इन जनवरी 1857 इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द आर्मी दैट द फैट ऑफ काउ एंड पिक वाज यूज्ड इन द बुलेट ऑफ दिस एनफील्ड राइफल। साथियों यानी कि धीरे 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 ये खबर आपकी फैलनी हुई स्टार्ट हुई कि ये जो नई राइफल आ रही है इसमें गाय और सुअर की चर्बी आपकी फैली हुई है, ऐसी बात होनी स्टार्ट हुई बेटा। ठीक है भाई, जिसके आधार पर फिर ये बात आपकी बिगड़नी स्टार्ट हो गई बेटा। तो ये है साथियों, तो पहले कौन सी राइफल थी हमारी, ब्राउन बेस नाम की, इसके स्थान पर कौन सी आई, एनफील्ड राइफल आपकी आई है बेटा। और इसी में साथियों आपकी खबर आपकी फैलनी स्टार्ट हुई। तो इनकी जो लोडिंग जो थी बेटा वो कुछ इस टाइप की थी, देखिएगा, द यूज ऑफ दिस एनफील्ड राइफल बाय द इंडियन सोल्जर्स वाज फॉरबिडन एंड ग्रेजुअली दिस रिजेंटमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द आर्मी बेटा। यानी कि साथियों भारतीय सैनिकों के द्वारा इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना किया गया और धीरे धीरे सारी सेना में ये आक्रोश फैल गया भैया, धीरे धीरे बेटा। ठीक है, तो होता क्या है, ये देखो बेटा बुलेट ऐसे था, इसे आप ऐसे समझिएगा ये कोई बुलेट है बेटा। तो ये जो आपका बंद है ये वाला एरिया जो है बेटा, तो इसको मुंह से काटना पड़ता था बेटा, इसको इसको बेटा। और यही बेटा आपका ऐसा माना गया कि टालो एंड द लार्ड ग्रीस का ये बना हुआ है आपका साथियों, देख लीजिएगा बेटा ये काट रहा, जब ये कुट गया तो भैया इसमें बुलेट फैट कर दी गई है और इसको छोड़ दिया गया साथियों। तो ये झगड़ा था इसमें, अब ये सच है झूठ है ये पता नहीं बेटा, टालो एंड लार्ड ग्रीस्ड कार्ट्रेजेस बेटा। ठीक है भाई जी, रौनक आर आर जी स्वागत है भाई आपका। तो सबसे पहली जो सैन्य घटना आपके बेटा 1857 की क्रांति से संबंधित आपकी हुई है भैया, उसके क्रांतिकारी नेता हैं ये व्यक्ति बेटा। डेट है जी आपकी 29 मार्च 1857 भैया, 29 मार्च 1857 को बेटा। जगह जो है बेटा वो कौन सी आपकी, बैरकपुर कैंटोनमेंट। बैरकपुर कैंटोनमेंट बंगाल साथियों, यहां की एक छावनी की बात है साथियों, 29 मार्च 1857 को साथियों।
इस छावनी का एक सिपाही है साथियों, जिसका नाम है जी आपका मंगल पांडे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो सैन्य घटना आपकी घटित हुई है वो आपके भैया 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी का एक सिपाही है मंगल पांडे, और मंगल पांडे की जो भैया रेजिमेंट है भैया वो है साथियों आपकी 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। ठीक है जी, 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही हैं भैया, कौन? मंगल पांडे बेटा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के भैया। ठीक है भाई, तो सबसे पहले भैया इन्होंने ही आपका ये बिगुल बजाया है 1857 की क्रांति का बेटा। ठीक है भैया, चलिएगा बेटा। तो यहां पर जो होगा भैया, तो मंगल पांडे के द्वारा भैया शूट आउट किया जाएगा, यानी कि गोली कांड बेटा। और इस गोली कांड में भैया मंगल पांडे के द्वारा दो ब्रिटिश ऑफिसर आपके घायल किए जाएंगे भैया, टू ब्रिटिश ऑफिसर इंजर्ड। ठीक है जी, अफेक्टेड करो भाई, अफेक्टेड प्रभावित हुए। कौन कौन है भैया? एक ऑफिसर का नाम है जी आपका लेफ्टिनेंट बाग, और एक का नाम है सार्जेंट यूर्शन बेटा। एक किस पद पर था? ल्यूटिनेंट बाग, जो इसमें भैया इसमें इनकी डेथ होगी इस गोलीकांड में भैया। और एक का नाम है जी आपका सार्जेंट यूर्शन। ये खाली क्या होंगे? इंजर्ड होंगे भैया। क्या होंगे? घायल। ठीक है जी, सार्जेंट यूर्शन बेटा। तो ये कहानी है जी मंगल पांडे के द्वारा किए गए पहले गोलीकांड की बेटा। ठीक है भैया।
मंगल पांडे भैया जो निवासी थे ये बलिया के रहने वाले थे। कहां? बलिया उत्तर प्रदेश के। ठीक है भैया, अंग्रेजों के द्वारा हैंग प्रपोज डेट जो थी इनकी वो थी भैया आपकी 18 अप्रैल 1857। साथियों 18 अप्रैल 1857। बट इनको फांसी इनकी डेट से पहले ही 8 अप्रैल 1857 को दी गई है भैया। कहां पर? बैरकपुर छावनी। ठीक है भैया, इनकी जो डेट थी वो थी जी आपकी 18 अप्रैल 1857। बट अंग्रेजों की बेटा डर की वजह से इनको फांसी समय से पहले ही आपकी दे दी गई थी। साथियों जो डेट है आपकी 8 अप्रैल 1857 बेटा। ठीक है भैया, अब इस घटना का क्या प्रभाव बेटा आपका पड़ा? फिर डेट आई साथियों मेरठ भैया, जहां से आपका इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, और डेट है जी आपकी 10 मई 1857। साथियों 10 मई 1857 बेटा। ठीक है जी, यहां पर जो साथियों हमारी जो सेना है वो है जी, जो रेजिमेंट है 3rd कैवलरी रेजिमेंट के सिपाही भैया विद्रोह करते हैं सबसे पहले। तीसरी सिपाही के भैया जो भारतीय सिपाही हैं वो दिल्ली पर भैया कब्जा करने के लिए चल देते हैं, और साथियों ये पहुंच जाते हैं 11 मई 1857 को भैया। कहां? दिल्ली भैया। और दिल्ली में उस समय पर जो मुगल रूलर हैं, कौन है जो आपके उस टाइम पर मुगल रूलर हैं, उनका नाम है जी बहादुर शाह जफर।
तो इनको बेटा क्रांतिकारी जो हैं वो साथियों घोषित कर देते हैं एक बार फिर से लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट बेटा, यानी कि 1857 की क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर को सिपाहियों के द्वारा कर दिया गया है बेटा। ठीक है भैया, सिंबल ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के प्रतीक क्या थे भैया? तो भैया आपकी ब्रेड, लोटस एंड ब्रेड, ये सिंबल थे भैया। लोटस मतलब कमल और रोटी भी, ये आपके क्या थे? सिंबल थे साथियों 1857 के रिवोल्ट के भैया। ठीक है भैया, तो ये मेरठ से इसलिए नाम चलता है, इसलिए आपका ये चलती है बेटा क्रांति। अंजलि शर्मा जी कह रही है सर बहादुर शाह जफर के शासनकाल में ही ब्रिटिश इंडिया आए थे। अच्छा जी अंजलि जी, ठीक है अंजलि जी, जो आप कह रही हो सही कह रही होगी बेटा, आप गलत कह ही नहीं सकते। अंजलि कभी गलत हो ही नहीं सकती बेटा। अंजलि जी बेटा कब से क्लास ले रही हो बेटा? कितने दिन से जुड़ी हुई हो अंजलि क्लास के अंदर? मुझे तो ऐसे लगा बेटा शुरू से ही, प्रारंभ से जुड़ी हुई हो क्लास के अंदर, जब से बैच चला था शायद, या लेट जुड़ी थी बेटा? अंजलि जी बताइएगा जरा बेटा, हम भी वेट कर रहे हैं ना बेटा। पहली तो क्लास नहीं है पक्का, मुझे पक्का याद है बहुत दिन से क्लास में जुड़ी हुई है अंजलि जी। अंजलि जी बताइएगा जरा, फर्स्ट डे बेटा फर्स्ट, वाह वाह अंजलि जी वाह, कमाल कर दिया आपने। तो 1857 की क्रांति के ये कुछ प्रमुख नेता हैं बेटा, ये नेता कहां से संबंधित थे, है ना? अब उनसे संबंधित बात करते हैं बेटा हम, कि कौन नेता कहां का था और इनका दमन करता आपका कौन है भैया। यहां से आपका सबसे ज्यादा चांस बनते हैं बेटा क्वेश्चन के आने के साथियों, ठीक है भाई। तो दिल्ली में जो क्रांति का नेता था भैया बहादुर शाह जफर, तो मुगल रूलर था, और बख्त खान कौन था बेटा? कमांडर था, सेनापति था ये एक्चुअल में, किसका? बहादुर शाह जफर का भैया, कमांडर ऑफ बहादुर शाह जफर। और भैया कौन से अंग्रेज अधिकारी ने दिल्ली को फिर से जीता है? तो निकल्सन एंड हडसन के द्वारा दोबारा से जीत लिया गया था दिल्ली को, दोबारा जीत लिया था सितंबर 1857 में भैया, पूरी तरीके से दिल्ली पर आपका कब्जा ये हो गया है। चलो भैया, लखनऊ बेगम हजरत महल मैंने आपको बताया, ये साथियों आपकी पत्नी थी किसकी? नवाब वाजिद अली शाह की। तो यहां का जो दमन करता था अंग्रेज अधिकारी है वो है जी आपका कोलिन कैंपबेल बेटा। झांसी सब जानते हैं भाई, रानी लक्ष्मीबाई,
भैया रानी लक्ष्मीबाई का जो रियल नेम था ना वो मणिकर्णिका था, अगर किसी को नहीं पता मणिकर्णिका। बचपन में इनको सब मनुबाई के नाम से भी जानते थे। बनारस में इनका जन्म हुआ था। यहां के जो दमनकर्ता है वो है जी जनरल यूरोज। क्या नाम है जिनका? जनरल यूरोज बेटा इनका नाम है साथियों, ठीक है। ग्वालियर तात्या टोपे, और यहां का भी कौन है भैया दमनकर्ता? जनरल यूरोज भैया, तात्या टोपे भैया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है वो क्या है? राम तनु पांडे। इसका तात्या टोपे का वास्तविक नाम यह है। सॉरी गलत कर दिया भाई, रामचंद्र पांडुरंग है इनका पूरा नाम। इनका रियल नेम जो था वो है जी रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है जी, कानपुर नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहब का जो बेटा वास्तविक नाम है वो धोंदू पंत है, धोंदू पंत बेटा। और ये एक मराठा रूलर थे जो कानपुर को देख रहे थे, और यहां का भी जो दमन करता वो है जी कोलिन कैंपबेल बेटा जी। प्रवीण जी भाई कैसे हो? प्रवीण आज तो बहुत दिन में दिखाई दिए भाई। ए भाई प्रवीण जी, अलाहाबाद का जो दमन करता है बेटा इनका नाम है लियाकत अली, और यहां के जो दमन करता थे बेटा इनका नाम है कर्नल नील बेटा। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला कर्नल नील बेटा। जगदीशपुर भैया इंपॉर्टेंट है साथियों, पेपर में अक्सर आता है जगदीशपुर। कुंवर सिंह और अमर सिंह ये दोनों भाई थे बेटा, और ये बिहार में पढ़ता भैया जगदीशपुर। कहां पढ़ता है? बिहार साथियों। ठीक है, बरेली खान बहादुर खान और विंसेंट अय्यर बेटा। तो ये साथियों अक्सर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं अक्सर बेटा, इन्हीं लिस्टों से बेटा, दोनों से, कि किसने क्रांति का नेतृत्व किया और किसने क्रांति का दमन किया बेटा। ठीक है भैया, अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति से संबंधित बेटा किताबें लिखी गई कौन से भैया? तो एक किताब आई है जी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है ये वाले भैया। इसको हिंदी में कहा जाता भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, ये बेटा। तो इसको किसने लिखा है? वीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर बेटा। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता जी के द्वारा लिखी गई है। सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार। रिबेलियन 1857 भैया पीसी जोशी, यानी कि पूरन चंद्र जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टीआर होम्स। ये जो 1857 के नाम से है बेटा ये आपका अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह का सरकारी इतिहास,
जो सरकार के द्वारा लिखवाया गया है वो है भैया आपका एस एन सेन के द्वारा लिखा गया, जिसका टाइटल क्या है 1857 भैया, कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, आपका भैया सर सैयद अहमद खान बेटा, ये है भैया। तो अक्सर बेटा इस नारे से इनसे जुड़ी हुई भी चीजें वो पूछ लेता है बेटा पेपर में। जी बेटा वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ही एक बात है। 1857 की क्रांति को बेटा किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों ने क्या नारे दिए या क्या कहा है, ठीक है ना। तो साथियों एक व्यक्ति आए, सबसे पहले आरसी मजूमदार साहब, इन्होंने क्या कहा है, नाइदर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, ना ही तो मतलब ये पहला स्वतंत्र संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा है आरसी मजूमदार ने कि भीड़ ऐसे ही चल दी, इनका कोई मतलब स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ नहीं था। इसे बेटा सैन्य विद्रोह किसने कहा, दुर्गा दास हैं, सर सैयद अहमद खान इन्होंने कहा है बेटा। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, प्लैंड फ्रीडम स्ट्रगल मतलब वो ये कि किसका द्वारा कहा गया, वीडी सावरकर। इसे बेटा नेशनल रिबेलियन किसने कहा है, डिजराइली अशोक मेहता नाम के इतिहासकारों ने बेटा। वार ओ फैनेटिक्स अगेंस्ट क्रिश्चियन बेटा किसने कहा, एल ई रीज। वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, टी आर होम्स। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, जेम्स आउटरम और विलियम टेलर ने। और इसे बेटा सैन्य विद्रोह किसने कहा था, लॉरेंस सील, ट्रेवलियन और होम्स ने बेटा, इन्होंने कहा था साथियों। जी 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 बिल्कुल सही बेटा मनीष जी, वाह इतने पढ़े लिखे बच्चे भी हमारी क्लास के अंदर है, जी खुश हो जाता है यार ऐसे बहादुर बच्चों को देखने के बाद, मतलब कुछ बचता ही नहीं है यार। तो भाई अब हम पढ़ते हैं साथियों 1857 रिवोल्ट से संबंधित जो आपके सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके आते हैं भैया। नहीं अजी आप गलत हो सकते हो मनीष जी, आप तो बेटा नाम ही मनी भैया। एसी बंद कर दो, तुम मार दो एसी बंद कर दो एसी। भाई मनीष नाम है आपका, मनीष किसको बोला जाता है बेटा, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। तो आप तो बेटा गलती कर ही नहीं सकते हो, तो आपसे तो मैं कह भी नहीं सकता भैया। 1857 की क्रांति से जो बेटा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं अब उन्हें करा रहा हूं साथियों। आपका एक क्वेश्चन आता है कि जब आपका 1857 की क्रांति हुई उस समय पर ब्रिटिश एम्प्रेस यानी कि ब्रिटेन की महारानी कौन थे भैया। तो भैया इनका नाम है आपका क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया भैया इनका नाम था साथियों। Who was the British Prime Minister at the time of 1857 revolt बेटा। तो उस समय पर British PM कौन थे भैया। तो भैया इनका नाम है लॉर्ड पामर्स्टन। क्या नाम था, लॉर्ड पामर्स्टन बेटा।
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे भैया जब 1857 की क्रांति हुई? तो भैया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी, लॉर्ड कैनिंग आपके इनका नाम था बेटा। प्रपोज्ड डेट, प्रस्तावित तिथि क्या थी भैया 1857 की क्रांति की, कि हम उस दिन शुरू करेंगे। तो ये डेट थी एक्चुअल में 31 मई, लेकिन भैया जनता पर रुका नहीं गया, शुरू कर दी आपकी 10 मई को ही बेटा। रुका नहीं गया पब्लिक पर, थमा नहीं गया, स्टार्टिंग कब से होगी भैया 10 मई 1857। कहां से जी? मेरठ से। ठीक है जी, सिंबल क्या था भैया? लोटस एंड ब्रेड। ठीक है भैया, तो ये भैया आपके फैक्चुअल चीजें पूछता भैया, देख लीजिएगा बेटा। स्टेनो सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा भैया? 5 से 6 महीने से क्या कम लगेंगे बेटा? है भाई, इससे कम में क्या टाइम लगेगा यार? ठीक है भैया, भैया ठीक है बेटा, चलो भैया। तो भैया आप जरा रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड बेटा? 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई है बेटा? का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ भैया? मेरठ से भैया। कब हुआ था भैया? 10 मई 1857 से भैया। हु अमंग द फॉलोइंग टर्म्ड द अपराइजिंग ऑफ एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता युग की बेटा इसने कहा था भैया, किसने कहा था साथियों? तो किसने कहा था? वीडी सावरकर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सोल्जर हु रिफ्यूज टू यूज ग्रीज्ड कार्ट्रिजेज बेटा, जिसने साथियों आपका ये कर दिया था साथियों।
चलो भैया, तो भैया कौन है? मंगल पांडे बेटा। कहां के रहने वाला था? बलिया, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। मंगल पांडे हु एलोन इनिशिएटेड द रिवेलियन वाज रिलेटेड टू, बेटा मंगल पांडे जिसने 1857 क्रांति का सूत्रपात किया, इनमें से कौन सी रेजिमेंट से संबंधित था? बताइएगा जरा, कौन सी रेजिमेंट से संबंधित है बेटा मंगल पांडे? इनमें से ठीक है भैया, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित है बेटा। बेगम हजरत महल द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, बेटा 1857 की क्रांति, इनमें से बेगम हजरत महल ने कहां का नेतृत्व किया है बेटा? ठीक भैया, तो लखनऊ भैया। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, भैया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका कौन था भैया? तो भाई लॉर्ड कैनिंग। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, बेटा नहीं इसे छोड़ दीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चन नहीं जाएगा, गलत है क्वेश्चन बेटा। हु लेड द ट्रूप्स इन कानपुर में बेटा 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया बेटा कानपुर में भैया? तो नाना साहेब लीडर थे भैया, लीडर। इनका असिस्टेंट जो किया था वो तात्या टोपे थे, लेकिन मेन लीडर की बात की जाएगी तो नाना साहेब आपके बनेंगे भैया। वेयर वाज बहादुर शाह सेकंड एक्साइटेड द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, भैया 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? ठीक है भैया, तो कहां किया गया था भाई? याद है, भूल गए? जब ने मुगल पढ़े थे तभी मैंने आपको कराए थे। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नेम इनमें से क्या है? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहिल्या। तो आपका मणिकर्णिका बेटा, ये इसका ओरिजिनल नेम था साथियों। तो आज हमने क्या पढ़ा जी, 1857 रिवोल्ट के बारे में, क्या करे रिवोल्यूशनर पढ़े भैया, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज करें भाई। तो चलिएगा भाई साथियों, आपके 10 क्वेश्चन भी हो गए, 1857 की क्रांति से जुड़े हुए फैक्ट भी हो गए, जो आती है थ्योरी वो भी हो गई है। अब कल आपका चलेगा INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद नेशनल मूवमेंट, फिर हमारी और आपकी छुट्टी भैया। ठीक है भाई, तो चलिएगा भाई साथियों, मिलेंगे फिर कल इसी सेशन में। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं तो बताना भाई सभी साथी। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बेटा।